दोस्तों, ईपीएफओ ने अपने पीएफ पोर्टल पर एक अपडेट किया है, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को सबसे लेकर लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के सर्च बॉक्स में यूएन लॉगिन लिख के सर्च कर देना है। यूएन लॉगिन लिख के सर्च करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। उसके बाद यहाँ पर पहला वाला लिंक जो है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आपके सामने आता है। तो दोस्तों, ईपीएफओ पोर्टल पे जो नया अपडेट था आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ही अपना यूएन नंबर डालते थे, पासवर्ड डालते थे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन नहीं था और कैप्चा का ऑप्शन हटा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे फिर से दोबारा से कैप्चा का ऑप्शन दे दिया गया है। और कैप्चा यहाँ पे डालना ही डालना है। फिर दोबारा से आपको यहाँ पे कैप्चा, जब आप लॉगिन करेंगे ईपीएफओ अकाउंट में, तो यहाँ पे आपको कैप्चा डालना ही डालना पड़ेगा, तभी आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीच में ये ऑप्शन हटा दिया गया था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालते थे, अगर कोई गलती हो जाती थी, तभी हमें कैप्चा का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता था, नहीं तो अन्यथा इसको हटा दिया गया था। लेकिन ईपीएफओ द्वारा दोबारा से यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन डाल दिया गया है। अगर आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन करना है, तो आप लोग कैप्चा डालना ही पड़ेगा फिर से दोबारा से। तो दोस्तों, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद भी आप यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन मिलेगा ही। तो देखिए, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये रिफ्रेश हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, रिफ्रेश करने के बाद भी यहाँ पे कैप्चा डालने का ऑप्शन आ ही रहा है, तो यहाँ पे आपको कैप्चा डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, कैप्चा डालने के बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से नया अपडेट है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, कि आप लोगों को बता दिया जाए कि अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में ईपीएफओ संबंधित कोई भी सवाल हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।